मेरा नाम ज्योति है, मेरी एज 18। और उस रात लड़ाई हो रही थी, उस रात मैं भी वहीं पर थी। और जैसे ही मैं नीचे आई तो मैंने अपनी दीदी वगैरह को पीछे करा, तो उन पुलिस मतलब पहले पुलिस वाले आए काफ़ी सारे, और उनमें से काफ़ी लोगों ने तो हम पे हाथ पात भी छोड़े, मेरी दीदी, मेरी मम्मा पे और दादी वगैरह, भाई को भी मारा था। तो उनमें एक छोटा बच्चा भी था जो कि हमारे रेंट पे रहता ऊपर, उसको भी मारा गया। और हमें कुछ नहीं चाहिए, बस इतना चाहिए जो उन्होंने लोगों ने हमें मारा है ऑन ड्यूटी, वो भी फीमेल होती तो ठीक था, फीमेल को भी बट राइट नहीं है ये, और मेल ने मारा है, तो उस चीज़ का हमें बदला चाहिए कि हमें इंसाफ चाहिए कि उन लोगों ने ऐसे कैसे मारा, कोई भी हो ऐसे हाथ नहीं उठा सकता। मेरा नाम इंदू है। यहाँ पे बीच बचाव हो रहा था लेडीज़ों के ऊपर, जो हाथ उठाया गया है उसको लेके ज़्यादा हुआ, क्योंकि एक भी लेडीज़ वहाँ पे पुलिस नहीं थी। जो इन्होंने हमारे साथ बदसलूकी किया, मेरी मम्मी को मारा है, भांजी, ये मेरी भांजी है, भांजी को मारा है, मुझे मारा है, भाभी तक पे हाथ छोड़ा गया, माँ पे हाथ छोड़ा गया, मेरी बहन पे भी हाथ उठाया है, यहाँ तक कि सब पे हाथ छोड़ा गया है, कि बिना उसके कि कुछ अगर मैंने गलत करा हो तो मानते हैं कि अगर लेडीज पुलिस आके हमारे साथ कुछ करे, यहाँ पे मेल पुलिस वालों ने हमारे पे हाथ उठाया है। मामला जो मर्जी था, इस पे महिला के ऊपर हाथ उठाने का मतलब ही नहीं बनता। तो उस टाइम भी लेडीज पुलिस नहीं थी, एक भी नहीं थी, अगर एक भी होती तो हमारे को वो कुछ करते, मगर यहाँ पे इन्होंने कोई लेडीज पुलिस नहीं थी, सबने आके हमारी घर फैमिली वालों को मारा है, सबको मारा है। ऑन ड्यूटी कोई भी किसी के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, यहाँ तक कि लेडीज भी नहीं उठा सकती हाथ, वो तो जेंट्स थे। पुलिस के साथ मैं कि पुलिस के साथ पहले आपने बदसलूकी की है तब उन्होंने? नहीं, हमने कोई बदसलूकी नहीं करी है, हमने कुछ नहीं करा, बल्कि हमने बीच बचाव कराया, इनके ऊपर किसी के ऊपर कोई हाथ आपत आई नहीं हुई है। हम भी जानते हैं कानून क्या है, पुलिस वालों की ऑन ड्यूटी पे हम भी वर्दी पे हाथ नहीं उठा सकते। अब आप लोग क्या कार्रवाई की मांग कर रहे हैं? हमें इंसाफ चाहिए, महिला के खिलाफ इंसाफ चाहिए, कि उन्होंने जेंट्स पुलिस वाले ने कैसे हाथ उठाया हमारे ऊपर, हमें इंसाफ चाहिए। वो भी एक मतलब हमारी पूरी फैमिली पे हाथ उठाया गया। क्या जो पुलिस कर्मी है जानते हैं पहले इलाके में देखा? हाँ, हमारे इलाके में उठना बैठना है उनका, रामलाल है उसके यहाँ पे उठना बैठना है, वो दलालगिरी करता है। आपने लिखित में भी शिकायत दी है क्या? 100 नंबर नहीं, हमने कॉल करी थी 100 नंबर 112 पे कॉल करी थी, तो उस पे परसों आए थे पुलिस वाले इंक्वायरी करने, उसके बाद कोई नहीं आया। जब हमारे को मारा गया था तब पुलिस वाले कहाँ थे? कोई भी जिप्सी नहीं आई, कोई PCR नहीं आया, ना हमारे को थाने लेके गए, कोई बात नहीं हुई। कितने पुलिस वाले होंगे उस टाइम पे? पुलिस वाले 20-25 पुलिस वाले थे, जैसे कि हमने पता नहीं कितना बड़ा गुनाह कर दिया हो। पुलिस में जो बड़े जो अधिकारी हैं क्या उन तक भी ये शिकायत ले जाएंगे आप? जी हाँ जी, हम आगे तक जाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। शुरुआत से लेके जो भी एंड तक वीडियो बनी थी, हमारे यहाँ की लेडीज है उसको सब पता था कि हाँ इसने पुलिस वालों ने गलत किया है। शुरू से लेके जो भी एंड तक वीडियो बनी है, पुलिस वालों ने उसका फोन छीन लिया, कि उसको यूँ कहता है हाँ मैं तेरे को मैं बताता हूँ, तेरी वीडियो मैं बनवाता हूँ, उसका फोन लेके वहाँ पे थाने में जमा कर लिया। और जब फोन उसको जब दिया गया है, जब उसकी रिकॉर्डिंग डिलीट कर दिया, एवरीवन डिलीट मार दिया वीडियो, उसमें शुरू से लेके एंड तक था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, जो मतलब आपके आपके उसके पास। हाँ, शुरू से लेके एंड तक का वीडियो था कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, हमने किसी के ऊपर कोई हाथ नहीं उठाया, सब था। अगर उसके अंदर ये अगर हम उसके ऊपर हाथ उठाते तो पुलिस वाले क्यों डिलीट करते उसको? क्या उस महिला ने कॉल करी है? हम सब कॉल कर रहे थे, किसी के नंबर से कॉल नहीं लग रही थी, ना 100 पे ना 112 पे, तो हम सारे इकट्ठे होकर कॉल कर रहे थे, तब उस महिला के फोन से कॉल हुई थी, उस नंबर से नहीं हुई थी, उसके बेटे के नंबर से कॉल हुई थी और 100 नंबर पे कॉल हुई है। और उसके बाद तो अगले दिन पुलिस वाले आए हैं, उस दिन कुछ नहीं हुआ, उसमें भी लिख के लगे गया 100 नंबर पे कुछ भी नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई, हमसे कोई पूछताछ नहीं हुई। आप अब क्या चाहते हैं? हमें इंसाफ चाहिए कि जेंट्स पुलिस वाले ने हमारे पे क्यों हाथ उठाया? अगर एक उठाया होता मेरे को तो 3 थप्पड़ मारे, मेरी भांजी को 2 मारे हैं, इसमें तो साफ दिख रहा है कि किसके कितने थप्पड़ मारे। आपके ऊपर किसी चीज का दबाव डाला गया है? जी, मेरे भाई को टॉर्चर करा जा रहा है।